हाय, इट्स रेनिंग इन मुंबई बट आई एम स्टैंडिंग नियर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई अभी, क्योंकि आज 14th अगस्त है और संडे भी है. तो आई जस्ट वेंट इनसाइड बट आई कुडंट गो टू द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मुझे इसलिए भी यहाँ पे बहुत जाना था क्योंकि मैंने जिस बात को बहुत पढ़ा है, सुना है, इनफैक्ट इस बुक में और भी बहुत सारी बुक्स में, द रिसेंट बुक रिटन बाय अभिनव चंद्रचूड, उन्होंने बोला कि अगर कोई दो लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इस लाइब्रेरी का फुल यूटिलाइजेशन किया है, आई मीन जहाँ तक उन्हें पता है, उनमें से एक है B.R. अम्बेडकर और एक है नानी पालखीवाला. सो इतना फिनोमिनल इंस्टीट्यूट है कि यहाँ से अराउंड 5 चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया निकले हैं. वो सब तो ठीक है, बट नानी पालखीवाला एंड YV चंद्रचूड, हु हैपन्स टू बी द फादर ऑफ DY चंद्रचूड, DY चंद्रचूड जो अभी हमारे चीफ जस्टिस बनने ही वाले हैं बस नेक्स्ट, वो दोनों यहाँ पर आके पढ़ाया करते थे. आई मीन YV चंद्रचूड एंड नानी पालखीवाला. क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट बहुत पास है तो नानी एंड चंद्रचूड दोनों ही यहाँ पे आ जाया करते थे अपने कोर्ट आवर्स के बाद में, और यहाँ पे कोर्ट आवर्स के बाद में आके पढ़ाया करते थे. के सोली सराब जी ये भी बताते हैं कि जब नानी पालखीवाला और चंद्रचूड यहाँ पे पढ़ाने आते थे तब वो यहाँ पे पढ़ा करते थे. ही हैड रिसेंटली जॉइंड द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और उस टाइम पे उन्होंने 2 ईयर लॉ डिग्री के लिए ज्वाइन किया था. मुंबई में होता है ना कि आप 10th स्टैंडर्ड के बाद में सीधा कॉलेज में आ जाते हो, तो वो पहले उन्होंने वो किया था, वो वाला कॉलेज, और उसके बाद वो यहाँ पर आए थे इसे ज्वाइन करने. बट उस टाइम पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की रेपुटेशन इतनी कुछ अच्छी नहीं थी. अभी इट्स फार बेटर, बट उस टाइम पे एल्फिंस्टन कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेजेस थे, दोज वर फार बेटर देन दिस. बट स्टिल सोली चोज टू ज्वाइन दिस कॉलेज. उन्होंने बोला कि मैं उस टाइम पे तो इतना अच्छा नहीं था एकेडमिक्स में, उस टाइम में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन इवेंट्स दैट हैपेंड विद हिम, जैसे कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था. वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था वो जगह भी अभी हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा. बट जो भी था, सोली ने बोला कि नानी और चंद्रचूड दोनों ने मुझे पढ़ाया है. और जब बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि उनको कंपैरेटिवली चंद्रचूड के लेक्चर्स ज़्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि वो एनेक्टोड्स बताया करते थे, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करा करते थे. तो आप मतलब खुद देखो, नानी को तो आगे जाके इस कॉलेज के ही प्रिंसिपल की पोस्ट भी ऑफर हुई थी, प्रिंसिपल की पोस्ट ऑफर हुई थी और उस टाइम पे सैलरी, कैन यू इमेजिन, उसको अट्रैक्टिव सैलरी बोलते थे, दैट वाज ₹1500 ओनली उस टाइम पे लगता था. जब नानी और चंद्रचूड को लगा कि हम लोग यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट में ही लॉयर्स हैं, हम लोग यहाँ पे अपना काम करने आते हैं और कोर्ट्स में भी जाते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर, जब एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी निकली थी उस टाइम पे, कोई LLM मैंडेटरी नहीं होता था, कोई मास्टर्स मैंडेटरी नहीं होता था, तब वैकेंसी निकली तो नानी वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा, क्या ये मेरी रेपुटेशन पे कुछ फ़र्क डालेगा. तो चंद्रचूड ने उन्हें बोला था कि नानी एनी वे वी डू नॉट हैव एनी थिंग टू लूज, तो वी शुड गो फॉर इट. तो ही वॉज द वन हु पुश्ड हिम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और उस टाइम पे बहुत अच्छी बात मानी जाती थी. इनफैक्ट आज भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि कोई लॉयर है और वो साथ साथ पढ़ाता भी है, लाइब्रेरी में बैठता है, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है और ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स को ऑनर करता है. और जैसे जैसे वो यहाँ पे पढ़ाते गए, स्टूडेंट्स के फेवरेट बनते गए. ऐसा भी बोलते हैं कि नानी ना बहुत बार लेट आया करते थे क्लासेस के लिए, लेट बिकॉज उनको कोर्ट आवर्स में टाइम लग जाता था यहाँ पे पहुँचने में, बट फिर भी जब वो पहुँचा करते थे ना, चाहे जितना भी लेट हो जाए, स्टूडेंट्स यूज़ टू वेट फॉर हिज क्लासेस बिकॉज उतनी अच्छी क्वालिटी होती थी उनके लेक्चर्स की. साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए फॉर श्योर कि B.R. अंबेडकर भी यहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं थोड़े से टाइम के लिए. एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था बाय मिस्टर मुरलीधर, उन्होंने बताया था कि थोड़े से टाइम के लिए B.R. अंबेडकर यहाँ के प्रिंसिपल रहे थे. तो दैट एड्स टू द फिनोमिनल हिस्ट्री दैट दिस कॉलेज हैज़. वन मोर थिंग, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में जब भी मैं इनकम टैक्स वाली चीज़ों की बात करती हूँ, मैंने एक चीज़ की बहुत बात की है, कांगा एंड पालखीवाला की एक इनकम टैक्स की जो बुक है वो हम लोग भी पढ़ी है, आप लोग भी पढ़ते हो और लोग 1950s से पढ़ते आ रहे हैं, जब उसका फर्स्ट एडिशन आया था तो तब भी नानी यहाँ पे पढ़ाया करते थे और वो कांगा, जमशेद जी कांगा के साथ वो काम भी करा करते थे, उनके साथ एसोसिएटेड थे वो कुछ टाइम के लिए. तो जब जमशेद जी कांगा के साथ काम करते थे, उन्हें लगा साथ करते करते, उन्होंने एक बुक निकाली, पब्लिश की, जो आज इतनी बड़ी कॉमेंट्री बन चुकी है, इतने सारे उसके एडिशंस आ चुके हैं. और इनफैक्ट जब से वो 1950s में प्रिंट हुई थी तब से ही उस बुक का बहुत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स. और बोलते कि उससे पहले जो ओनली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी ना, वो संपत अय्यंगर की थी. तो संपत अय्यंगर ने मद्रास में नानी को और कांगा को
सू भी किया था उसके लिए जब वो यहीं पढ़ाया करते थे और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करा करते थे, तो उन्हें सू कर दिया गया था कॉपीराइट के लिए कि आपने कुछ कॉपीराइट वायलेशन किया है। और कहते हैं कि नानी को पढ़ा पढ़ा के, इतनी सारी चीज़ें पढ़ के, इतना टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करके, इतनी ज़्यादा उनको वास्ट नॉलेज हो गई थी, उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उनका उन्होंने अपनी खुद की उस टेक्स्ट बुक में से, लिखी हुई टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे पैराग्राफ्स वर्बैटिम कोट कर दिए थे बिना देखे। तो जजेस तो वैसे ही इंप्रेस हो गए थे वहाँ पे हाईकोर्ट के कि इसे इतना कुछ अगर पता है अपनी बुक के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन होने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। और वहाँ पे जब नानी ने क्रॉस एग्जामिनेशन की, आपको पता है किंग तो वो थे ही क्रॉस एग्जामिनेशन के, जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो द केस कुड नॉट स्टैंड इन ऑन इट्स ओन लेग्स और वो वहीं पर टूट गया। सेलेक्ट किया था इन सबको चीफ जस्टिस चागला ने, MC चागला जो बाद में चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने सेलेक्ट किया था नानी पालकेवाला एंड YV चंद्रचूड़ को। इनके स्टूडेंट सब रहे हैं फाली और भी बहुत सारे लोग यहाँ से रहे हैं, फाली नरिमन, अशोक देसाई, अनिल दीवान, MC सेतलवाद मैंने आपको बताया, प्रतिभा पाटिल, LK आडवाणी, सब लोग मैंने बताए, DM पोपट सोराब जी, इनफैक्ट एक फिनोमिनल पर्सनालिटी सब स्टूडेंट्स को पता होगी, दिनशॉ मुल्ला। मुल्ला की बुक्स पढ़ते हो, सब लोग मुल्ला की किताबें पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो मुल्ला ने कहाँ से किताबें लिखना शुरू किया, इनफैक्ट उन्होंने कहाँ से लॉ को जानना और पढ़ना शुरू किया, वो भी यही प्लेस है, द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। तो आप कभी भी ये सब सुनो, पढ़ो, कुछ भी करो, हमेशा याद रखना कि इस कॉलेज की हिस्ट्री कितनी फिनोमिनल है, क्योंकि मैं मुंबई में थी तो मुझे यहाँ पर तो आना ही था और मैं यहाँ पर हूँ। आई फील रियली ब्लेस्ड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी दिस हेवन, एंड आई थिंक कि NLUs और सब लोग ऐसे टॉप टीयर कॉलेजेस, टॉप टीयर फर्म्स, बहुत ज़्यादा हाइप है, बट आप इन सारे इंस्टीट्यूशंस को भी मत भूलो जिन्होंने हमें इतना सारा कुछ दिया है। चलते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखना।